सभी का स्वागत है इस समय करार प्लेस में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में। आज हमारे साथ ऐसे कई मेहमान हैं जो आज कलकत्ता में अत्याचार हो रहा है, इसके लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं। आज यहाँ पर बहुत सारी जो है मीटिंग थी और इस पर लेकर आज इस तरह से दुखदाई है, जिस तरह से हमारा देश महात्मा गांधी जी का देश कहा जाता है। आज 150वां वर्षगांठ मना रहे हैं, फिर भी हमारा देश शांति प्रिय देश माना जाता है, लेकिन यदि कहीं ऐसा घटना होती है तो बहुत दुखदाई होती है, क्योंकि हमारा देश आज 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा पड़ाव चल रहा है। तो आइए हम जानते हैं, हमारे कई ऐसे मेहमान हैं, हम जानेंगे तो इस तरह से कलकत्ता में आज जो है अत्याचार हो रहा है, क्या आप बताना चाहते हैं जी? क्या आप बताना चाहते हैं? अभी हमारे यहाँ पे कार्यक्रम है शेर बंगाल एक यूनियन है, मान्य शेख प्रकाश जी संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। शेर बंगाल कार्यक्रम उन्हीं का एक ब्रेन चाइल्ड है, इसे हेड करते नेशनल कन्वीनर श्री अनिर्वन गांगुली और नेशनल को कन्वीनर श्री अनिमेश जसवाली। क्योंकि आज की जो प्रेजेंट स्थिति है पश्चिम बंगाल में, जो कि बहुत ही दयनीय हो चुकी है, लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या की जा रही है, शेर बंगाल है। शेर बंगाल कैंपेन एक सभी लोगों को प्लेटफॉर्म देता है वहाँ पे आकर अपनी बात रखने का। जिस तरह से बंगाल में तत्काल स्थिति में एक रोज का एक माहौल चल जो कि बहुत ही खतरनाक है, फिर बंगाल कैंपेन कलकत्ता में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है और जिसकी की लेकर एक मंच तैयार किया गया और यहाँ पे संबोधित किया गया। आज हम कनॉट प्लेस में हूँ, कंस्ट्रक्शन क्लब में, और हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से जो है आज अत्याचार कलकत्ता में हो रहा है और इसे लेकर क्या सोचते हैं जी? क्या नाम सर आपका? लक्ष्मी जी। आप जिस तरह से आज अत्याचार हो रहा है कलकत्ता में, आप क्या बताना चाहेंगे? आप अगर कोलकाता जाएंगे तो आपको लगेगा कि कोलकाता अपनी देश में नहीं, आप अपनी देश में सुरक्षित महसूस करते हैं। कहीं भी जाते हैं, बंगाल के बाहर किसी भी प्रदेश में जाते हैं, आपको अपनापन लगता है, अपना देश लगता है। लेकिन पूरे बंगाल में किसी भी जिला में आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको लगेगा कि अभी कुछ भी हो सकता है, मेरे जीवन को खतरा है। इसलिए बंगाल में कोई डेमोक्रेसी नहीं है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन जारी होना चाहिए। बंगाल में हर दिन हर रोज कोई ना कोई आम आदमी सरकार किस लिए बनती है? सरकार सुरक्षा के लिए, किस सुरक्षा के लिए और अच्छा सुशासन, लेकिन लगातार वहाँ सुशासन नहीं है, वहाँ सुशासन है और आम आदमी की हत्याएं हो रही है। क्या तो किसी भी आदमी का सरकार जानबूझ कर हत्याएं करवा रही है जी? जिस तरह जी जल रहे हैं, क्या आप अंदर रहे हैं बाहर रहे हैं? जी जल रहे हैं, क्या आप अंदर रहे हैं बाहर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।